दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसी क्षण अभी और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और उस जानकारी से आप अवगत हो जाएं। दर्शकों, कई बार इंसान के पास में अनेकानेक परेशानियां रहती है, खूब कमाई है लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि आमदनी अटनी, खर्चा रुपया। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि खूब कमाने के बाद में भी उस कमाई के हिसाब से आदमी बजट बना भी लेता है कि इस बजट के अंदर हमको अपना महीना काटना है और इतना रुपया हम बचा लेंगे, लेकिन वो बजट के हिसाब से चल भी रहा होता है लेकिन अचानक एक ऐसा कार्य उसके जीवन में आ जाता है जिसको ना करने से लोक मर्यादा भी जाती है, इंसानियत भी मर जाती है, इसलिए उसे करना पड़ता है। और जब वो करना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि बजट हिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि बजट हिलना ही हिलना है, उल्टा उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। ऐसी स्थिति अगर किसी इंसान के जीवन में आता है कि अचानक उल्टे सीधे खर्च आ जाते हैं, खूब कमाई होने के बाद में भी वह अपने परिवार को जैसे चलाना चाहता है उस हिसाब से चला नहीं पाता, परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो दर्शकों आज के बताए हुए उपाय को आप आजमा कर देखें, बहुतों को लाभ हुआ है, कहीं इस बार आपका ही नंबर हो। दर्शकों, इसके लिए आपको मैं मोड़ के पैर की मिट्टी का एक अनुपम अचूक चमत्कारी पौराणिक उपचार बता रहा हूं। इस उपाय को अगर आपने पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ कर लिया तो यह मेरा दावा है कि आप अनर्गल खर्चों से मुक्त हो जाएंगे और आपकी आमदनी अगर कम है तो आपको नए आमदनी के स्रोत मिलेंगे, नए आमदनी के स्रोत खुलेंगे जिसमें आपको ज्यादा कमाई हो। दो स्थितियां इंसान के अंदर होता है, एक हम खूब कमा रहे और पैसे आलतू फालतू कामों में खर्च हो जाते हैं, पैसा टिक नहीं पाता, खर्च चलाना भारी पड़ जाता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें घर परिवार चलाना काफी मुश्किल है, तो इन दोनों स्थितियों से आपको निपटने के लिए मैं मोड़ के पैर की मिट्टी का आज उपाय लेकर आया हूं। इस उपाय को आपने पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ कर लिया तो आप निश्चय माने कि धीरे धीरे आपके आंगन की ये समस्या, आपके घर की ये समस्या लुप्त हो जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब लुप्त हुई। अब इसके लिए आपको एक ऐसे स्थल का चयन पहले से ही करके रखना होगा जहां मोर नाचते हो। अब वो स्थल आपको पहले से ही खोज के रखना पड़ेगा। अब आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को अगर ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम, मुहूर्त भी दिखवा लें, सर्वसिद्धि योग में अभिजीत मुहूर्त में आप इस उपाय को करना प्रारंभ करें। कभी भी राहु काल में कोई उपाय नहीं करना चाहिए, इसलिए उपायों को करने में भी राहु काल को वर्जित करना चाहिए। राहु काल है, गंडमूल काल है, क्या क्या काल है, ब्राह्मण के पास आप जाएंगे तो ब्राह्मण आपको बता देगा कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ये टोटके के विषय में मत पूछिएगा ब्राह्मण से, ब्राह्मण से सिर्फ ये पूछिएगा कि साहब एक शुभ काम करना है, अच्छा मुहूर्त बता दो जो शुक्रवार को पड़ता हो। आप उस शुक्रवार को लाए,
या आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को अनजान बनकर लाए, दोनों स्थितियां ठीक है। तो जहां मोर नाचते हैं वहां की मिट्टी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी, आप मनोभाव शुद्ध होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मोर की मिट्टी हमारी हमारे संकट को मिटाएगा। आपके अंदर ये श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की कृपा इस मिट्टी के साथ अवश्य बरसेगी। अब उस मिट्टी को आप श्रद्धा भाव से लाकर किसी भी लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी नारायण की फोटो हो, प्रतिमा हो, वो जो हो ना हो तो एक ले आए। लक्ष्मी नारायण की पूजा डेली करनी चाहिए, इससे भी कष्ट क्लेश दूर होते हैं और मांसाहार का त्याग कर दें। अब लाल कपड़े में बांधकर जब आप लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के या फोटो के सामने आप चरणों में उस मिट्टी को रखते हैं और उसके बाद सफेद हकीक की माला से एक माला आप इस हमारे बताए हुए मंत्र का जाप करें। संध्या बेला में जिस टाइम लक्ष्मी पूजन का टाइम होता है उसी टाइम में आप कम से कम एक माला, संभव हो फुर्सत हो तो पांच माला आप हमारे बताए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप आप सफेद हकीक की माला से ही करेंगे, इसमें तुलसी की माला नहीं चलता क्योंकि ये लक्ष्मी प्रयोग है, इसलिए आप सफेद हकीक की माला से आप इस मंत्र को एक माला, पांच माला, ग्यारह माला, प्रथम दिन जितना संभव हो, उसके बाद दूसरे दिन से आप नित्यदिन सुबह उठते हैं या शाम को आप वक्त निकाल लें, रात्रि में वक्त निकाल लें, आप एक माला उसी माला से इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें जब फुर्सत हो। ये नहीं कहा कि आप कार्य छोड़ करके करें, कार्य की अधिकता है तो कार्य की अधिकता को पहले कार्य को देखिए, कर्म ही पूजा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा कर्म है। यात्रा में जा रहे अब विघ्न पड़ गया तो आप उसे ये ना अन्यथा न लें, फिर यात्रा खत्म हुआ जहां गए वहीं से आप शुरू हो गए, फिर वापस आए तो शुरू हो गए, आठ दस दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आप मंत्र को नोट करें, मंत्र सबसे प्रभावशाली होता है। अब मंत्र को जैसा मैं उच्चारित कर रहा हूं वैसा ही आपको उच्चारण करना है। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप याद कर लें पहले ही और सफेद हकीक की माला से आप इस मंत्र को, मान लीजिए पहले दिन पांच माला आपने जाप किया तो पांच माला जाप करने के बाद आप लक्ष्मी और नारायण को प्रणाम करके उनकी प्रतिमा को ये माला आप पहना देंगे, प्रतिमा हो फोटो हो जो भी है उस पर माला अर्पित कर देंगे और आप उस जो बोर्ड के फैर की मिट्टी आपने उनके चरण कमलों में रखा है, दीपक बुझने के बाद, दीपक धूप बत्ती ठंडा होने के बाद आप उस मिट्टी को अपने धन रखने के स्थान पे, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में या जहां भी ऑफिस में आप अपने गले में आप रख दें, और सब जगह रखना है तो उतनी पोटली पहले ही बना लें और आप इसको आप रख कर भूल जाएंगे। हर शुक्रवार को आपको बस इतना सा करना है कि गोधूली बेला में, संध्या बेला में लक्ष्मी जी के या लक्ष्मी वासुदेव के इसी मंत्र को जपते जपते धूप बत्ती और कपूर से आरती इस पोटली का कर सके तो करिए, नहीं तो आप भूल जाइए। आप देखेंगे
कि आपके घर से पैसों की तंगी, आपके घर में आने वाले अचानक खर्चे अचानक रुक गए और आपके घर में जो अचानक खर्चे आते थे वो पैसे बचने लग गए। जिसके घर में घोर दरिद्रता थी, खाने भर के पैसे आमदनी में नहीं आया करते, वो 4-6 महीने के अंदर इतनी आमदनी में करने लग जाएगा कि 10 रुपया उसके बचने लग जाएंगे। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः।